हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम टॉप 100 जीके क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये फर्स्ट पार्ट है 100 क्वेश्चंस का। सेकंड पार्ट मैं जल्द ही अपलोड करूंगी और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप भी अपना सेल्फ टेस्ट लीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने कितना स्कोर किया। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इंडियन वुमेन टू हेड अ पैरामिलिट्री फोर्स। पैरामिलिट्री फोर्स यानी कि अर्धसैनिक बल का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? आंसर है अर्चना रामासुंदरम। इसरो के फर्स्ट चेयरमैन कौन बने थे? आंसर होगा विक्रम साराभाई। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये 15 अगस्त 1969 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसका हेड क्वार्टर बेंगलोर में है। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड इंडियन नेशनल फ्लैग ऑन। विधानसभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? आंसर है 22 अगस्त 1947। मंगल ग्रह को और हम किस नाम से जानते हैं? आंसर होगा रेड प्लैनेट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का कॉमन नेम क्या है? आंसर है लाइम वाटर। जंतर मंतर कहाँ स्थित है? ये स्थित है दिल्ली में। जंतर मंतर इंडिया में टोटल 5 है, दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन और मथुरा, और इन 5 को महाराजा सवाई जय सिंह ने बनवाया था। स्टडी ऑफ बर्ड्स यानी पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आंसर होगा ऑर्निथोलॉजी। सैफ्रॉन इज प्रोड्यूस्ड इन अ लार्ज स्केल इन। भारत में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन कहाँ होता है? आंसर होगा जम्मू कश्मीर। और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन होता है ईरान में। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इन इंडिया। भारत में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन कहाँ होता है? आंसर होगा आंध्र प्रदेश। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन कहाँ होता है? आंसर होगा कजाकिस्तान। इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? आंसर है 21 जून। यांकी स्टेडियम जो यूएसए में है, ये यूएसए के किस शहर में है? आंसर होगा न्यूयॉर्क। यांकी स्टेडियम बेसबॉल पार्क है। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन फाउंडेड इन। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? आंसर होगा 1975। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है बिल गेट्स और पॉल एलन। इसका हेड क्वार्टर वॉशिंगटन में है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? आंसर होगा एशिया। भारत में हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। किस नदी को सॉरो ऑफ बंगाल कहते हैं? आंसर है दामोदर। थर्मोस्कोप को किसने इन्वेंट किया था? आंसर होगा गैलीलियो गैलीली। फर्स्ट सैटेलाइट टू ऑर्बिट द मून। चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला पहला उपग्रह कौन था? आंसर होगा लूना 10। और चांद पर सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग गए थे, आप सभी को पता ही होगा, और ये 1969 में गए थे। ट्यूबरकुलोसिस डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 24 मार्च। व्हेन डिड वास्को डा गामा लैंड इन इंडिया। वास्को डा गामा इंडिया में कब आए थे? आंसर होगा 1498। ये पोर्टुगीज थे और ये पहले यूरोपियन थे जो समुद्र के रास्ते से इंडिया में आए थे। सम्राट अशोका किसके सक्सेसर थे? आंसर होगा बिंदुसार। कुचिपुड़ी डांस किस स्टेट से बिलोंग करता है? आंसर होगा आंध्र प्रदेश।
कोणार्क सन टेम्पल को किसने बनवाया था? तो इसे बनवाया था नरसिम्हा देव वन ने। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा महादेश कौन सा है? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। और याद रखिए, सबसे बड़ा महादेश क्षेत्रफल के हिसाब से है एशिया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। यूनिटार का फुल फॉर्म क्या है? ये है यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। याद रखिएगा फ्रेंड्स, फुल फॉर्म्स अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? तो इसका आंसर होगा जे.जे. थॉमसन ने। प्रोटॉन को डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने, और न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने। द फर्स्ट इंडिया कम्युनिकेशन सैटेलाइट वॉज, इंडिया का फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट था एप्पल, और वर्ल्ड का फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट था टेलस्टार। और वर्ल्ड का जो टेलस्टार था ये 1962 में लॉन्च हुआ था, और जो ये एप्पल है इंडिया का फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये 1981 में लॉन्च हुआ था। सन को देखने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है? आंसर होगा हेलियोस्कोप। ऑन्कोलॉजी किस ट्रीटमेंट से संबंधित है? आंसर है कैंसर, ये कैंसर से संबंधित है। भोजन से विटामिन डी का रिचेस्ट सोर्स क्या है? तो ये है कॉड लीवर ऑयल। थार डेजर्ट कहाँ स्थित है? ये है राजस्थान में, और इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। और ये थार डेजर्ट इंडिया का लार्जेस्ट डेजर्ट है, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है सहारा डेजर्ट, जो अफ्रीका में है। IFSC का फुल फॉर्म क्या है? ये है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज ऑब्जर्व्ड ऑन, कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 26 नवंबर। सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? ये है ग्रीनलैंड। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज डिजीजेज, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आंसर होगा नाइट ब्लाइंडनेस। फ्रेंड्स, अगर आपको विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में डिटेल्स में जानना है, और तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बनाया है और मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप चाहे तो वो वीडियो मेरा देख सकते हैं। वो दो पार्ट में डिवाइड किया है मैंने, फर्स्ट पार्ट में थ्योरी है और सेकेंड पार्ट में रिविज़न के लिए MCQ है। ओके, तो आपका उससे प्रैक्टिस भी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अजंता और एलोरा केव्स कहाँ स्थित है? ये है महाराष्ट्र में। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये थे जीवी मावलंकर। ग्रुप ऑफ डॉल्फिन्स इज नोन एज, डॉल्फिन्स के समूह को क्या कहा जाता है? आंसर है पॉड। सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? आंसर होगा कैनेडा। PSLV का फुल फॉर्म क्या है? आंसर है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। AQI का फुल फॉर्म है एयर क्वालिटी इंडेक्स। डेनमार्क की राजधानी क्या है? ये है कोपेनहेगन। स्टेट हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया, इंडिया के किस स्टेट की लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है, यानी कि सबसे बड़ी तटीय रेखा है? आंसर होगा गुजरात। यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ है? आंसर है पेरिस। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। द फर्स्ट इंडियन हिंदी स्कॉलर ऑफ मुगल पीरियड, मुगल काल के पहले भारतीय हिंदी विद्वान कौन थे?
आंसर होगा अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम को खाने खाना भी कहा जाता है। इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच स्टेट। किस राज्य का ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है? आंसर होगा नागालैंड। और नागालैंड में ही हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा है। प्लैनेट टेक मैक्सिमम टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। कौन सा प्लैनेट को सूर्य की एक परिक्रमा लगाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है नेपच्यून। नेपच्यून क्योंकि ये सूरज से बहुत दूर है। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल द माउंट एवरेस्ट। सबसे पहली महिला कौन है जो माउंट एवरेस्ट पर गई थी? आंसर होगा बैछेंद्री पाल। रिवर हैज द लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम। कौन सा रिवर का लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन है? आंसर होगा अमेजॉन। मटेरियल इज यूज फॉर बुलेट प्रूफ जैकेट। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज किया जाता है? आंसर होगा केवलार। सो फ्रेंड्स, ये है फर्स्ट पार्ट 100 क्वेश्चंस का। सेकंड पार्ट में बहुत जल्द अपलोड करूँगी, तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, कंटिन्यू करिएगा इसको। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को जितना हो पाए उतना आप लाइक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।